गैंगस्टर राजू ठेठ को मारी थी 25 गोलियां। 50 घंटे बाद परिवार वाले शव लेने को हुए तैयार। गांव में लगे अमर रहे किनारे। राजस्थान के गैंगस्टर राजू ठेठ का शव करीब 50 घंटे बाद परिवार वाले लेने को तैयार हुए। इससे पहले सीकर के एसके अस्पताल में करीब 3 घंटे पोस्टमार्टम चला। राजू ठेठ को 25 गोलियां लगी थी। बदमाशों ने दोनों कंधे और सीने में गोली मारी थी। सोमवार दोपहर 3:15 बजे परिवार वाले शव लेकर गांव रवाना हुए थे। गांव में शव पहुंचते ही भीड़, राजू ठेठ और RTG जिंदाबाद के नारे लगे। शाम करीब 5:30 बजे अंतिम संस्कार हुआ। राजू ठेठ का शव एम्बुलेंस से उसके पैतृक गांव ठेठ काम शाम करीब 4:30 बजे लाया गया। उसके अंतिम दर्शन करने रिश्तेदार समाज और गांव के लोगों की भीड़ थी। घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में ही अंतिम क्रिया की गई। गैंगस्टर का शव देखते ही उसकी पत्नी विमला बेसुध हो गई। परिवार के लोगों ने उसे संभाला और शव के पास लेकर गए। ठेठ के दोनों बेटे चिक्कू और नमन ने अंतिम क्रिया की। ठेठ का भाई और भतीजे भी मौजूद रहे। इससे पहले एसके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद गैंगस्टर राजू ठेठ का शव उसके भाई को सौंपा गया। गांव में भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरि राम रनवा भी मौजूद रहे। गांव में राजू ठेठ के पड़ोसी ने बताया कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। उनके खेत में ही घर बना हुआ है। खेत के चारों ओर तारबंदी का काम भी करवा रहे थे। चुनाव के दौरान उनके परिवार के साथ गाँव में ही रहने का प्लान था। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 बदमाशों को हरियाणा के बॉर्डर के पास डाबला से पकड़ा, जबकि 3 की गिरफ्तारी झुंझुनू के पांव गांव से हुई। पकड़े गए शूटर्स में से 2 मनीष जाट और विक्रम गुज्जर सीकर के ही रहने वाले थे। सतीश कुमार जतीन मेघवाल हरियाणा के भिवानी के हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार सहित चोरी की क्रेटा गाड़ी भी बरामद की है। गिरफ्तार 2 बदमाश विक्रम और मनीष को पुलिस जाब्ते के बीच CGS कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान क्विक रिस्पॉन्स टीम के जवान हाथों में हथियार लिए तैनात रहे। इससे पहले 2 दिन तक सिक्कर के एसके हॉस्पिटल में मुआवजा सहित कई मांगों को लेकर समाज ने धरना दिया था। रविवार देर रात समझौता होने के बाद दोनों शव लेने के लिए तैयार हो गए। रात में सिक्कर के एसके हॉस्पिटल SDM गरिमा लाटा सहित पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। मृतक राजू ठेठ के परिवार व गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। हत्याकांड की जांच IG और SP की निगरानी में पुलिस की विशेष टीम करेगी। हत्याकांड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित अपराधियों के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताराचंद कड़वासरा की बेटी कोमिता कड़वासरा को सरकारी MBS कॉलेज मैनेजमेंट के लिए आमजन के सहयोग से निःशुल्क शिक्षा हॉस्पिटल सुविधा दिलवाना वो राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे। ताराचंद के परिवार को सरकारी नियम के अनुसार आर्थिक सहायता व मुआवजा दिया जाएगा। घायल कलाल सोनी का निःशुल्क इलाज व 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ का सीकर में आज सुबह गैंगवार से मर्डर हो गया था। कोचिंग ही ड्रेस में पहुंचे थे बदमाशों ने घर के बाहर खड़े ठेठ पर फायरिंग कर दी। ठेठ को 3 से ज्यादा गोली लगी थी। इधर जिला अस्पताल के मोर्चरी के बाहर धरना दे रहे लोगों ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर धरने पर पहुंचे, कहा पुलिस क्या कर रही है, अपराधियों को नहीं पकड़ने तक धरना जारी रहेगा। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक DGP उमेश मिश्रा ने बताया कि इस फायरिंग एक बदमाश ने वीडियो भी बनाया है। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हत्याकांड में 5 शूटर शामिल थे, 4 की पहचान कर ली गई।